क्या अर्णब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगे। सरकार किसानों से पूछ रही, बताओ मंगल ग्रह पर कौन सी फसल उगाओगे? किसान कह रहे कि नहीं बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा। यही वो फीस है जिसका भुगतान किए बिना ही रिपब्लिक टीवी और जी नेटवर्क के चैनलों ने डीडी फ्री डेज पर दर्शकों की संख्या हासिल की। इस प्रकार के मुद्दे नहीं है, जो बिजली के मुद्दे जो पर जो कचरा आप चुनकर लाइए। मिचले डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, दबाओ जाओ जैसे मेरे अब आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं। सोच साहब, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सोच साहब चलो बाहर। अब हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात हम गोदी मीडिया में घटे कुछ मजेदार किस्सों की करेंगे। देश में रोज कोई ना कोई मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे सिर्फ पल भर के लिए एक खबर बन के रह जाते हैं। ऐसे ही एक मुद्दे से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्णब गोस्वामी अपने लीक्ड व्हाट्सएप चैट को लेकर पहले ही सुर्खियों में थे। सरकार के कितने करीब है अर्णब, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। पर इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिससे पता चला है कि अर्णब ने सरकार को ही चूना लगा दिया है। मई 2017 में लॉन्च होने के बाद से अर्णब गोस्वामी के स्वामित्व वाले समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को डीडी फ्री डिश पर गैरकानूनी रूप से प्रसारित किया गया। रिपब्लिक टीवी को इससे डीडी के 2.2 करोड़ यूजर्स तक पहुंच मिली। चैनल इसके लिए ऑक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ। रिपब्लिक टीवी ने बिना ऑक्शन प्रोसेस से गुजरे 8 से 12 करोड़ रुपए की कैरेज फीस बचा ली। कोबरा पोस्ट ने इसको लेकर अधिक जानकारी दी। इसके बाद आते हैं कुछ प्राइवेट चैनल, जिसके लिए ये चैनल सरकार को एक फीस देते हैं ताकि वो एक तय समय सीमा तक इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें, उदाहरण के लिए 1 या 2 साल तक। इसके लिए चैनल प्रसारकों को एक स्लॉट के लिए बोली लगानी पड़ती है और भारी भरकम शुल्क देना पड़ता है। स्लॉट को आप आसान भाषा में एक सीट समझ सकते हैं। समझिए सरकार एक हवाई जहाज चलाती है और उसमें हर सीट एक स्लॉट है और इस स्लॉट में बैठकर चैनल हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है, तो उन्हें इस सफर का किराया देना होगा। यही वो फीस है जिसका भुगतान किए बिना ही रिपब्लिक टीवी और जी नेटवर्क के चैनलों ने डीडी फ्री डिश पर दर्शकों की संख्या हासिल की। उन्होंने सरकार की बनाई पूरी प्रणाली को ही धत्ता बता दिया। उन्होंने बिना नीलामी में शामिल हुए, बिना कोई पैसा खर्च किए अपने चैनल डीडी के फ्री डिश पर चलवाए। अर्णब का इस तरह की सुर्खियों में रहना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वे अपने व्हाट्सएप चैट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बारे में सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने भी अर्णब को कुछ सलाह दी। पवन खेड़ा की बात सही है कि अर्णब डर से नहीं बोल रहे हैं। अर्णब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। क्या अर्णब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं। हाँ, यहां कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई। रिपब्लिक भारत पर किसान आंदोलन को लेकर क्या क्या कहा गया ये सबने देखा। अकेले अर्णब ही नहीं, उनके पत्रकारों की भी सुन लीजिए कि वे किसान आंदोलन को लेकर कैसी राय रखते हैं। किसानों से और सरकार से, दोनों से कहते कहते मेरी जबान थक गई, लेकिन ये बैठकें करते करते नहीं थके। कल फिर बैठक होगी और नतीजा हमें पता है, नहीं निकलेगा चाहे देख लेना। सरकार किसानों से पूछ रही, बताओ मंगल ग्रह पर कौन सी फसल उगाओगे? किसान कह रहे कि नहीं बताएंगे। पहले सरकार यह बता दे कि मंगल ग्रह पर भी क्या यही कानून लागू होंगे या नहीं, और ऐसा करके आप लोग देश के लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जितने दिन ये दोनों मंथन कर रहे हैं, जितने दिन से, इतने दिनों में तो एक आदमी धरती से चांद पर चला जाएगा और लौट भी आएगा, लेकिन इनकी सुई विज्ञान भवन पर अटकी है। किसान आंदोलन की बात आई है तो थोड़ी चर्चा इस पर भी कर ही लेते हैं। किसान आंदोलन अभी भी जारी है और सरकार के साथ लगातार मीटिंग भी हो रही है। किसानों की मांग साफ है कि कृषि कानूनों को रद्द करो।
इसी बीच किसान आंदोलन में फॉरेन फंडिंग को लेकर चलाई गई एक खबर पर न्यूज 18 चैनल ने माफी मांगी। मीडिया ने आंदोलन कर रहे किसानों को क्या कुछ नहीं कहा, खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसको लेकर भी मीडिया को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया दिन रात सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है। देश में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है पर इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। जैसे ही विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाने शुरू किए, मीडिया सरकार के बचाव में उतर आया। बीजेपी की वैक्सीन हो गई है कि भाई ये टीका लगाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। यानी एक तरफ सरकार है जो आपको वैक्सीन देना चाहती है ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके, दूसरी तरफ हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करके वैक्सीन को खतरनाक बता रही है। ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा। हाल ही में अमित शाह के इंटरव्यू का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है, जिसमें टाइम्स नाउ की एंकर नविका ने अमित शाह से सवाल किया और अमित शाह ने उस पर गलत टिप्पणी की। शायद आपने सुने नहीं, 50 भाषण उठाकर देखिएगा, एक भी इस प्रकार के मुद्दे नहीं है। अब बिजली के मुद्दे पर जो कचरा आप चुनकर लाइए, कचरा नहीं होता, कचरा ये सवाल मतलब, सवाल लोगों के होते मैं हैं। मैं समझ गया नाविका जी, आपका पूछने का दायित्व। आजकल मीडिया एंकरों को विपक्ष के नेताओं को डिबेट के बीच में बार बार टोकने को लेकर उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक डिबेट एबीपी न्यूज पर हुई। एंकर सुमित अवस्थी ने विपक्ष के नेता से सवाल किया, पर जब वे जवाब दे रहे थे तभी एंकर ने बीच में टोक दिया, जिस पर नेता डिबेट छोड़कर चले गए। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने दोनों ने अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान को अजीम मुल्क बनाने की बहुत कोशिश की जी। सरदार पटेल ने जब कश्मीर पाकिस्तान को दिया था वो गुड फेथ में था, क्योंकि उस वक्त गुड फेथ में था। अब आप यू टर्न कर रहे हैं, आपकी किताब का प्रचार करना आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं है। वो रूपा मुझे मुझे सच्चाई जाननी है। सरदार पटेल जिनको माना गया कि उन्होंने हिंदुस्तान को इकट्ठा किया, तमाम रियासतों को मिलवाया, हिंदुस्तान को रक्षक स्वरूप दिया, उस सरदार पटेल पर आपने एलिगेशन लगाया है? आप एक सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं देश के आयरन मैन पर? आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं? सोच साहब, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सोच साहब चलो बाहर। अब आप बदतमीजी भी कर रहे हैं मेरे कैमरामैन के साथ। सोच साहब ये नहीं चलेगा ऐसे। अब भले ही गोदी मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने के चक्कर में कुछ भी दिखाता रहे, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर खबर दिखाते रहेंगे और उम्मीद करते रहेंगे कि मीडिया जल्द ही अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा और सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करने शुरू करेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।